हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? देखिए, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट विल नॉट अफेक्ट आईएमईसी। क्या है देखते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट इन इजराइल एंड पैलेस्टीन विल नॉट डैम्पन प्लान्स फॉर द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईएमईसी। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, आप देखिए, बैठी हैं यहाँ पर। सिग्नल्ड ऑन फ्राइडे नोटिंग दैट द स्ट्राइव डिडंट फिगर सिग्निफिकेंटली इन पार्लेस हेल्ड विद G20 फाइनेंस मिनिस्टर इन माराकेश मोरक्को। अब देखना, अब हमें देखिए यहाँ पे, ये हमारा इंडिया है, यही चल रही है। हमें कनेक्ट होना है, अब देखिए जाना है कहाँ पे, यूरोप में। इंडिया से हम जाएंगे, यहाँ से सऊदी अरेबिया जाते हुए, इसराइल से जाते हुए हम ग्रीस में यहाँ पे एंटर करेंगे, यही हमारा प्लान है। ग्रीस में से जाएंगे, टर्की से जाएंगे, ऐसे ही हमारा ये रूट बनना है। अब देखिए यहाँ पे आपका मोरक्को है, मराकेश आपका ये रहा, यहाँ पे इसको रेड सिटी भी बोला जाता है, मराकेश। ये अफ्रीका का एक कंट्री है, इंडिया, अफ्रीका, और अफ्रीका में आप देखिए इसके वेस्टर्न मोस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में मोरक्को, वहाँ पे मराकेश, ये रहा आपका। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, हेल्ड विद G20 मोरक्को मराकेश। हाउएवर वायलेंस हैज बॉट कंसर्न अबाउट द फ्यूल एंड फूड सिक्योरिटी टू फोर अगेन, मिस सीतारमन सेड इन द ब्रीफिंग आफ्टर द लास्ट मीटिंग अंडर द इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स FMCBG हेल्ड इन माराकेश ऑन अक्टूबर 12 एंड 13। वाइल हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट्स कैन इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो इन इमर्जिंग मार्केट्स, में सीतारमन एंड दीज इकोनॉमीज आर द ग्रोथ इंजिन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड सो इन्वेस्टमेंट इन फ्लो शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाई इंटरेस्ट रेट अलोन। तो यहाँ पे इन्होंने साफ बोला है आईएमईसी जो आपका चलेगा, जस्ट अ सेकेंड। एग्जाम में अब देखिए इस आर्टिकल में हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आईएमईसी, इंडिया, ये रहा मिडिल ईस्ट, ठीक है, यूरोप, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आईएमईसी क्यों नहीं कर दिया इन्होंने, इंडिया मिडिल ईस्ट, ठीक है, मिडिल ईस्ट हो गया आपका, और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये ट्रिपल ईसी करो, आईएम, यूरो, इंडिया मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाँ, तो ये रहा आपका। इसमें हमें देखना है कौन कौन सी कंट्रीज है, इसका क्या रूट बात हो रही है। सब बोल रहे हैं कि इसराइल में जो वॉर चल रही है उससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हम ग्रोथ इंजन से, हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ने से भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, सिंपल सा इनका कहना यही है निर्मला सीतारमन जी का। मोरक्को मराकेश हमें पता होना चाहिए कहाँ पर है, और इसराइल के लोकेशन कहाँ पर वॉर चल रही है हमें पता होना चाहिए। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।